हजरती दाऊद गए नाल खुदा गो वादो। साउल इसराइलियां गो पहलो बादशाह थो, वो लम्बू चौड़ो और खूबसूरत नौजवान थो, बल्कि इसरा गो जिसरा गो लोग चाही था। साउल अपनी हुकूमत गए पहले चंद साल माँ तय एक असल बादशाह थो, लेकिन फिर वो एक बदकार इंसान बन गयो जेड़ो खुदा की दावत नहीं करे थो। बस खुदा नी एक और आदमी ना चुन लियो जिसनी एक दिन उसकी जगह बादशाह होनु थो। खुदा नी एक नौजवान इसराइली ना के काम कियो जिन गो ना हजरती दाऊद थो, जिन ना साला तू बाद बादशाह बनु थो। हजरती दाऊद बितलम शहर गयो एक चरान आलो थो। मखलूकात व औकात माँ जिस घड़ी हजरती दाऊद अपना बाप की भेड़ बकरी चारे थो, तै उन्होंने एक शेर और एक रिछ दुआ ना मार सट्यो थो, जिन्नी उनकी बकरी वर हमलो करो थो। हजरती दाऊद एक अलीम और एक रियासत बाज शख्स थो जेड़ो खुदा ना मने और उस पर यकीन करे थो। हजरती दाऊद एक अजीम सिपाही और रहनुमा बन गयो जिस कड़ी हजरती दाऊद अजा नौजवान थो, उन्होंने जड़ो लित नामी एक दू हैकल जंगू के ना लड़ाई करी, जो लित एक तरबियत सिपाही इंतहाई ताकतवर और तकरीबन 3 मीटर ऊंचो लम्बू शख्स थो, लेकिन खुदा ने हजरती दाऊद की जड़ो लित ना कत्ल करन और इसराइलिया ना बचान की मदद करे। उस तू बाद हजरती दाऊद ने इसराइलिया का दुश्मन के खिलाफ मखलूकात जंगा मा कुता हासिल करी, जिस के वास्ते लोकां की तरफ तू उन्हें बहुत परेशानी मिली। लोकां की हजरती दाऊद नाल मोहब्बत देख के साउल हसद करन लगो। साउल ने क्योंकि 12 गो कत्ल करन की कोशिश करी, लेकिन हजरती दाऊद साउल तू छप जाए। एक दिन साउल हजरती दाऊद की तलाश मा थो ताकि उन गो कत्ल कर सकी। साउल उसे घर अचल गया जित हजरती दाऊद साउल गया डर तू छुपे भी थो, लेकिन साउल ने उना नी देखो। हजरती दाऊद साउल गए इस कदर करीब था कि उसना आसानी नाल मार सकी था, लेकिन उन्नी नी मारियो। उसको मारन की बजाय हजरती दाऊद ने साउल की पोशाक का एक टुकड़ा सबूत के तौर पर कट लियो ताकि साउल ना कह सकी कि वो बादशाह बनन गए वास्ते उस नाल ही मार सी। आखिरकार साउल एक जंगल मा मर गयो और हजरती दाऊद इसराइलियां का बादशाह बन गयो। वो एक असल बादशाह थो और लोग उस नाल मोहब्बत करी था। खुदा ने हजरती दाऊद ना बरकत दीती और उस ना कामयाब बनायो। हजरती दाऊद ने कई जंग लड़ी और खुदा ने उन्हें इसराइलियां का दुश्मना ना शिकायत दीती मदद करी। हजरती दाऊद ने यरूशलम ना पता करी और उसने अपना दरार लनुम बनायो। हजरती दाऊद का दौर हुकूमत मा इसराइलियां ताकतवर और दौलतमंद बन गया। हजरती दाऊद एक इबादत खाना तामीर करनु चाहे थो, जित सारा बने इसराइली आखिर खुदा की इबादत कर सकी और उसके हुजूर मा कुर्बानी पेश कर सकी। तकरीबन 400 साल तू लोग खुदा की इबादत और कुर्बानी हजरती मूसा के बनाए हुई मुलाकात के खामी पेश करी था, लेकिन खुदा ने हजरत ना तीन नबी ना हजरत दाऊद गए कोले क्यों पैगाम दे गए चलायो, क्योंकि तू एक मर्द जंग है, तू मेरा वास्ते यो इबादत खानू तामीर करे गो, तेरो फरजंद इसकी तामीर करे गो, लेकिन और तीना खासी बरक दूंगो।
तेरी औलाद बिचू एक हमेशा के वास्ते मेरी कुंभर बादशाह के तौर पर राज करे गो। हजरती दाऊद की औलाद बिचू हमेशा के वास्ते हुकूमत सिर्फ मौजूद मसीह मौजूदा ही करे सके थो। मौजूदा मसीह खुदावंद गो वो चुने हुई थो जड़ो दुनिया का लोका ना उनके गुना तू बचा सके थो। जिस कड़ी हजरती दाऊद ने यह गल सुनी ते पूर्ण खुदा गो शुक्र और उसकी तामीर करी क्योंकि उसने हजरती दाऊद नाल इस अजीम गर्ज और बहुत सारा बरकता को वादो कियो थो। हजरती दाऊद ना यो मालूम नी थो कि कित खुदा इन सारा कमा ना करे गो लेकिन कुछ इसरा गो होयो कि बनी इसराइलियां नी एक तब्दील मदद तक मौजिजा गए आन गो इंतजार करनू प्यो तकरीबन 1000 साल। हजरती दाऊद ने कई साल इंसाफ और वफादारी गए नाल हुकूमत करी और खुदा ने उन्हें बरकत दीती ताहम उनकी जिंदगी गए आखिरी अकाम मां उन्होंने खुदा गए खिलाफ गुनाह कियो। एक दिन जिस कड़ी हजरती दाऊद की फौज का सारा सिपाही कार तू दूर मैदान जंग मां था ते उन्होंने अपना महल तू बैर एक खूबसूरत औरत ना गुसल करती देखो। औरत को ना बीच सुबह थो उस औरत पर अपनी आंख हटाने की बजाय हजरती दाऊद ने उस ना अपना कोले लैन गए वास्ते किस ना चलायो वो उसके नाल सुतो और फिर उस ना कार वापस चला छुड़ियो। थोड़ी ही अरसा बाद बीत सुबह ने हजरती दाऊद ने एक पैगाम चलायो कि वो हमला है। बैत सुबह को शोहर और या हजरती दाऊद का बेहतरीन फौजियान बिचू एक थो। हजरती दाऊद ने और या नी जंग तो वापस बुला गए उस ना उसकी बीवी गए कोले जान गए वास्ते क्यों लेकिन और यादा नी अपना कार जान तू इनकार कर दितो क्योंकि बाकी सारा फौजी मैदान जंग ही मां था। फिर हजरती दाऊद ने और यादा ना वापस जंग करन गए वास्ते चलायो और जर्नल ना क्यों कि जंग मां उस ना पहली सुबह मार ही जित मदद मुकम्मल दुश्मना गए ताकतवर फौजी होवेगा ताकि वे लाख हो जी और या गो कत्ल करन तू बाद हजरती दाऊद ने बीत सुबह नाल ब्याह कर लियो। बाद अजल बीत सुबह ने हजरती दाऊद का फरजंद ना जन्म दितो। हजरती दाऊद ने जड़ो कुछ क्यों उस वर खुदा ना खासो गुस्सो आयो उसने हजरती नतुन नबी ना चलायो ताकि हजरती दाऊद ना बल्कि उन गा गुना किस कदर ना थो। हजरती दाऊद ने अपना गुना तू तोबा करी और खुदा ने उन्हें माफ कर दितो। जिंदगी का बाकी अकाम हजरती दाऊद ने शक्ल व कातमा भी खुदा का इकाम मा नी और उसकी इबादत करी लेकिन हजरती दाऊद का गुनाह की सजा तीजा मा उन गो फरजंद मर गयो। हजरती दाऊद की जिंदगी का बाकी दिना मा उन गे खानदान मा हमेशा लड़ाई झगड़ा रहा और हजरती दाऊद की ताकत खासी काट होगी। हालांकि हजरती दाऊद ने खुदा नाल बेवफाई करी मगर खुदा फिर भी अपनू वादा वर कायम रहो। बाद इल्तिजा हजरती दाऊद और बीत सुबह गए हाँ एक और फरजंद पैदा होयो और उन्होंने उसको ना सुलेमान रखियो। सिमतुली तू ले गए बाइबल की एक कहानी।